हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ नायका वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल। मैं आप लोग के साथ ये भी शेयर करूंगी कि कौन से ऐसे नायका के मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो कि बेस्ट हैं और कौन से ऐसे हैं जो कि वर्स्ट हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राइमर से। ये काफी पॉपुलर प्राइमर है नायका का एंड बहुत ही अफोर्डेबल है। सो गाइस, ये प्राइमर काफी अच्छा है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से पोर्स को ब्लर कर देता है एंड काफी अच्छे से स्किन को स्मूथ कर देता है। उसके बाद मैंने यूज किया है गाइज ये नायका का स्किन शील्ड फाउंडेशन। जो भी मेरा शेड होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा विद अ लिंक। सो मैं अपने आईब्रोज को शेप देने वाली हूँ इससे, क्योंकि नायका का कोई भी ऐसा लिक्विड कंसीलर टाइप आता नहीं है, तो मैंने सोचा कि फाउंडेशन को ही यूज कर लेते हैं। काफी अच्छा फाउंडेशन है गाइज ये, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लाइक इतना नेचुरल लगता है ना स्किन पे, बहुत ज्यादा नेचुरल लगता है एंड इसकी कवरेज भी बहुत ज्यादा है। लाइक लो टू मीडियम टू हाई कवरेज तक आप इसको बना सकते हो। तो मैंने अपने आईब्रोज को शेप दे दिया है जिससे कि आईब्रोज थोड़े ठीक लगें, क्योंकि आपको पता है कि वैसे तो अनलॉक हो चुका है लेकिन फिर भी सेफ नहीं है बाहर जाना, तो मैंने अपने आईब्रोज नहीं बनवाए हुए थे। इसको मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी कंसील जो भी फाउंडेशन मैंने अप्लाई किया था। एंड इसको सेट करने के लिए मैं यूज करूंगी नायका का कॉम्पैक्ट। गाइज पैकेजिंग बहुत ज्यादा अल्टीमेट। गाइज ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे कॉम्पैक्ट, बिकॉज ये स्किन में बहुत ही नेचुरल सा लगता है, ऐसा लगता ही नहीं कुछ अप्लाई किया हुआ है, बहुत ही नेचुरल लगता है स्किन में। तो मुझे कॉम्पैक्ट भी बहुत अच्छा लगा, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। आई मेकअप के लिए मैं ये शेड पिक कर रही हूँ एंड इसको मैं एज अ ट्रांजिशन शेड यूज करूंगी। ये जो पैलेट है ये मिनी पैलेट थी और जो शेड है इसमें वो है पीच साइड पीच। गाइज ये बहुत ही अच्छी पैलेट है लाइक न्यूट्रल लुक्स के लिए। तो ट्रांजिशन शेड को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी एज यू कैन सी। नेक्स्ट मैं इस शेड को पिक करने वाली हूँ गाइज एंड इसको बेसिकली मैं अपने क्रीज को डिफाइन करते हुए ब्लेंड कर रही हूँ, आप देख ही सकते हो। और मैं सेम ही ब्रश यूज करने वाली हूँ पूरे आई लुक के लिए। बिगनर फ्रेंडली बना रही हूँ मैं इस लुक को, बिगनर्स के लिए है ये। नेक्स्ट मैं इस शेड को पिक करूंगी, आउटर वी पे फोकस करते हुए धीरे धीरे इसको ब्लेंड करूंगी। और गाइज ये बिगनर्स के लिए काफी सही है बिकॉज ये ऐसा लुक है जिसको आप इजिली किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हो, लाइक वेस्टर्न हो इंडियन हो किसी के साथ भी कैरी कर सकते हो उस आई लुक को। इसलिए मैंने ये आई लुक आप लोग के साथ शेयर किया है। तो इसको अच्छे से पूरे आईलिड पे अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैंने ये शेड पिक किया है और इसको फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई करने वाली हूँ एंड पूरे आईलिड पे ही इसको भी अप्लाई कर लूंगी। थोड़ा सा ये सनसेट वाला इफेक्ट देने वाला है बिकॉज मेरी टॉप भी थोड़ी सी वैसी ही लग रही है। एंड अब इसको मैं ब्लेंड कर लूंगी जिससे कि थोड़ा ब्लेंडेड लुक लगे एंड आप देख सकते हो कि मेरी आई लुक काफी ब्लेंडेड लग रहा है। तो आप बेस मेकअप पे आ जाते हैं, तो सेम फाउंडेशन को मैंने अप्लाई किया है पूरे फेस पे, डॉट डॉट करके आप अप्लाई कर लेंगे एंड ये शेड मैच काफी अच्छे से जाता है। थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है। ये येलो अंडरटोन में है मेरे स्किन पे काफी अच्छा जाता है, लाइक बहुत ही परफेक्ट है एंड आप देख सकते हो कि मक्खन की तरह ब्लेंड होता है। ड्राई स्किन के लिए हल्का सा ड्राई कर देता है, हल्का सा थोड़ा सा ड्राई पैचेस लगेंगे विंटर में स्पेशली ड्राई स्किन को। बाकी काफी अच्छा फाउंडेशन है ये एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। तो पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है आपको फाउंडेशन को, नेक पे भी अप्लाई कर लेना है एंड ईयर्स पे भी अप्लाई कर लेंगे। और इसको सेट करने के लिए मैं अगेन यूज कर रही हूँ ये नायका का ही कॉम्पैक्ट। गाइस कॉम्पैक्ट की पैकेजिंग इतनी ज्यादा लग्जरी लग रही थी, लाइक सीरियसली बहुत ही लग्जरी पैकेजिंग थी। नेक्स्ट मैं ब्लश के लिए यूज कर रही हूँ ये नायका की लिप एंड चीक पैलेट। तो इसमें से मैंने वो शेड पिक करा है एंड उसको अप्लाई करूंगी मैं। गाइस इसको ना मैं लिप्स पे यूज करने के लिए तो रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि स्टेइंग पावर बिल्कुल अच्छी नहीं है, बहुत ही बेकार है लिप्स के लिए तो। बट अगर आप इसको अपने चीक्स पे यूज करना चाहते हो तो मैं हाईली 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 रिकमेंड करूंगी बिकॉज गाइस इतनी अच्छी है एंड बहुत ही नेचुरल लुक देती है। इसी पैलेट में से मैं ये ब्राउन शेड को यूज करूंगी और इससे कंटूरिंग करने वाली हूँ जिससे थोड़ा सा मेरा मोटा जो चबी फेस है उसको थोड़ी सी शेप मिल सके इसलिए। एंड गाइज आप देख सकते हो कि बहुत ही मक्खन की तरह ब्लेंड हो जाता है, फिंगर की हेल्प से भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हो। तो लिप के लिए तो रिकमेंड नहीं करूंगी इस पैलेट को, बट आप चीक्स पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी आईब्रोज के लिए नायका का ओ माई ब्रो मस्कारा। एंड गाइज इसके लिए मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड थी, लाइक सीरियसली बहुत एक्साइटेड थी एंड आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट गाइज सीरियसली। बहुत इतना नेचुरल लगता है आपके आईब्रोज पे, इतना नेचुरल कि क्या बताऊं, बहुत प्यारा है, ट्राई कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट मैं स्टेक और की व्हाइट काजल अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि नायका की नहीं है इसलिए। तो इसको अप्लाई कर लूंगी अपने वॉटर लाइन पे एंड काजल अगर आपको देखनी है बेस्ट व्हाइट काजल कौन सी है तो उसके ऊपर एक फुल वीडियो है, कंपैरिजन वीडियो, बहुत सी काजल का कंपेयर किया था, उसको चेक कर लीजिएगा। गाइस जो मैंने लाइट ब्राउन शेड पिक किया था अपने
यू नो ट्रांजिशन शेड के लिए, उसी को मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने लोअर लिड पे। नेक्स्ट मैं नायका की मिनी लिपस्टिक को अप्लाई करूंगी। इसमें शेड है मेरा बॉन बॉन, एंड गाइज बहुत ही प्यारी लिपस्टिक है, बहुत अच्छी लगी है मुझे। ये देखिए, ये है कि स्टेइंग पावर अच्छी नहीं है, लेकिन शेड बहुत प्यारा था गाइज, मुझे इस शेड से प्यार हो गया। सीरियसली इतना प्यारा शेड है ये, मीडियम टू डस्की पे बहुत खूबसूरत लगने वाला है। अगर आप एक न्यूड शेड देख रहे हैं तो गो फॉर इट, लाइक बहुत ही प्यारा है, परफेक्ट न्यूड रहेगा आप लोग के लिए, एंड बहुत ही प्यारा है, आप खुद देख सकते हो, काफी अच्छा है। नेक्स्ट हाइलाइटर के लिए मैंने यूज किया है ये नायका का लिक्विड हाइलाइटर इन द शेड ग्लेज्ड ब्रॉन्ज, एंड गाइस ये हाइलाइटर भी बहुत अच्छा है। आप सोचोगे हर चीज के लिए अच्छा कह रही है, बिकॉज सीरियसली प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। कुछ कुछ जो अच्छे लगे मैंने अच्छा कहा है, मुझे वो लिप पैलेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी लिप्स के लिए, तो मैंने सीधा बोला नहीं अच्छी है, ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट गाइस ये काजल अप्लाई करूंगी मैं नायका की, इससे मैं विंग आईलाइनर ड्रॉ करूंगी, एंड पैक की आईलैश मैं यूज करने वाली हूँ, क्योंकि नायका की मुझे पसंद नहीं है टू बी वेरी फ्रेंक। तो इसको मैंने अप्लाई की है, और मस्कारा मैंने यूज किया था वेट एंड वाइल्ड का, क्योंकि नायका का मस्कारा नहीं है। सो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, एंड काफी प्यारा लग रहा है, लाइक यू नो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिगनर फ्रेंडली है। सो या आज की हमारी वीडियो यहीं पे और होती है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।